देंगे आपका। आई विल ओनली टॉक टू कमिश्नर। आपके एसआई से बात कर ली, आपके एसआई ने बदतमीजी करी मेरे मोबाइल में। मैंने उसको कहा मैं पार्लरवासी के लिए रवाना हो जाऊंगी एक घंटे में, आपने बदतमीजी करी है ना, इसलिए आई हूँ। अब आपसे कोई संवाद नहीं करेंगे, आपके लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए नामांकन का दौर खत्म हो गया है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों दलों के नेता जोर शोर से प्रचार में लगे हैं। इसी बीच राजस्थान कांग्रेस के नेता और रूसिया के पूर्व विधायक दिव्या मदीना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजनीति से किसान को टारगेट करने के लिए ओसिया में नहीं दिया। वीडियो में दिव्या पुलिस की जीप में बैठी नजर आ रही हैं। दिव्या भयंकर गुस्से में पुलिस वालों को फटकार रही हैं। आप भी देखिए वीडियो। नहीं सुनेंगे आपका। आई विल ओनली टॉक टू कमिश्नर। आपके एसआई से बात कर ली, आपके एसआई ने बदतमीजी करी मेरे मोबाइल में। मैंने उसको कहा मैं पार्लरवासी के लिए रवाना हो जाऊंगी एक घंटे में, आपने बदतमीजी करी है ना, इसलिए आई हूं। अब आपसे कोई संवाद नहीं करेंगे, आपके कमिश्नर बात करेगा। नहीं तो आप जिसको लेने आए हो ना, जब जब एक कान खोल कर सुन लेना, और बिजली विभाग में और कहीं पे भी, जब जब बिस्कॉम या किसी किसान के घर जाओगे तो मैं आपको तैयार मिलूंगी, आ जाऊंगी। दरअसल मामला गुरुवार का जोधपुर के तिवरी के बालरवा गांव का है, जहां डिस्कॉम की विजिलेंस टीम पहुंची थी। पुलिस कमिश्नर को बुलाने पर अड़ी पूर्व विधायक मदीना ने वीडियो में कहा, मथानिया क्षेत्र के बालरवा गांव में सांवर परिहार नाम के सरपंच प्रतिनिधि को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस पर फोन पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया, विद्युत विभाग की कार्रवाई का विरोध कर रही थी। वहीं डिस्कॉम के जेएन दुर्गेश चंद्र ने बताया कि तिवरी क्षेत्र के बालरवा ग्राम पंचायत के चैन सिंह नगर में किसान के 10 वर्ष पुराना बिजली कनेक्शन है। करीब 3 साल पहले कनेक्शन काट दिया गया था। इसके बाद किसान की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विभाग की ओर से 29 मार्च को उसका कनेक्शन जोड़ा गया था, लेकिन फिर किसी ने कनेक्शन काट दिया। परिवार के अन्य सदस्यों के विवाद को देखते हुए किसान की शिकायत पर डिस्कॉम की टीम पुलिस जाब्ते के साथ यहां पर कनेक्शन के लिए पहुंची थी। किसान खेताराम ने भी डिस्कॉम टीम के बयान की पुष्टि की है। वहीं वीडियो वायरल होने और विवाद के सामने आने के बाद ओसिया विधायक भैराराम चौधरी ने अपना वीडियो जारी किया है। आज अपने ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुझे जानकारी मिली कि पूर्व विधायक महोदय बालरवा ग्राम पंचायत के अंदर आई है, और बालरवा ग्राम पंचायत के अंदर आकर ऐसा पुलिस और डिस्कॉम के अधिकारियों को धमकाने का काम कर रही है। मैं पूर्व विधायक महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूं और ये आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आप तथ्यहीन और आधारहीन बातों का साथ देना छोड़ दीजिए, झूठी बातों का साथ देना छोड़ दीजिए। आप मौके पर मौजूद है, एक बार आपके बिल्कुल पड़ोस में ही घर है, श्रीमान खेताराम जी श्रॉप श्री अचलाराम जी परियार राजस्व गांव चैन सिंह नगर ग्राम पंचायत बालरवा में है, और इसी आपके चहेते सरपंच प्रतिनिधि मिस्टर सांवर परियार श्रॉप श्री अर्जुन जी के सुपुत्र है। उन्होंने पिछले 2.5 से 3 साल तक इस खेताराम जी को अंधेरे में रखने को मजबूर किया है, आपकी तानाशाही ने मजबूर किया है, आपकी राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना की जो असमिति है उसके तहत इसको मजबूर किया है। वो ये परियार जो है आपके 2.5 से 3 साल तक अंधेरे में रहा है, इसके भी बच्चे हैं, इसके भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इसकी भी बहन बेटियां रोशनी में यदि से रहना चाहती है। एक महिला होने के नाते ये मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार का जो रवैया है ये आपको शोभा नहीं देता है, और आपकी डिस्कॉम की टीम या कोई भी विजिलेंस की टीम किसी भी किसान का कनेक्शन विच्छेद करने के लिए नहीं गई है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि आदरणीय खेताराम जी श्रॉप श्री अचलाराम जी जो पिछले 3 साल तक अंधेरे में बैठा है, उसका कनेक्शन जोड़ने के लिए गई है। कनेक्शन कटवाने का और विजिलेंस करवाने का ये तो आपकी आपका काम है, आपको मुबारक हो। आज भारतीय जनता पार्टी का राज है और यहां से विधायक अपने आप के अंदर एक किसान है, और आपने तो खुद ने स्वीकार किया है कि मुझे तो किसानी का काम नहीं आता है, इसलिए आपको तो जानकारी नहीं है कि आप किसका साथ दे रहे हो और किसका साथ नहीं दे रहे हो। झूठे और असत्य बात का साथ आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमेशा सच्ची ही बात आगे तक बढ़ती है।